बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। यहाँ भारी संख्या में, लाखों की संख्या में यहाँ इकट्ठा हुए हैं, इसके लिए मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं अपनी माताओं और बहनों का भी जो बड़ी तादाद में यहाँ के लिए आई है, उनका भी मैं दिल से आभार प्रकट करती हूँ। सबसे पहले अपनी पार्टी के संदर्भ में ये कहना चाहूंगी कि हमारी पार्टी ये चुनाव यहाँ के झारखंड प्रदेश की लगभग सभी विधानसभा की सीटों पर अकेले अपने बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ रही है। इसके साथ ही हमारे यहाँ किसी भी पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी चुनावी समझौता नहीं किया है। इसके साथ साथ हमने टिकट बंटवारे के मामले में भी बीएसपी से जुड़ने की तादाद को ध्यान में रखकर ही फिर उसी अनुपात में ही ग्रामीण समाज के लोगों को टिकट दिए। लेकिन अब मैं आप लोगों का ध्यान अपनी पार्टी को कामयाब बनाने के लिए कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ और इस संबंध में हमारी पार्टी का ये कहना है कि अपने देश को आजाद हुए और भारतीय संविधान को भी लागू हुए अब यहाँ वर्षों बीत चुके हैं और इस लंबी अवधि में केंद्र व राज्यों में तथा यहाँ के झारखंड प्रदेश में भी विभिन्न पार्टियों की सरकारें रही हैं। लेकिन दुख की बात ये है यहाँ के प्रदेश में पूरे देश में सर्व समाज से विशेषकर दलितों आदिवासियों पिछड़े वर्गों मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ गरीबों मजदूरों किसानों व्यापारियों एवं अन्य मेहनत कर लोगों का कोई खास विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है, जिनके शासनकाल एवं नीतियों एवं कार्यशैली को अब इन्हें और ज्यादा आजमाने की जरूरत नहीं है। और इस मामले में मैं खासकर दलितों आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये कहना चाहूंगी कि इन्हें भारतीय संविधान के तहत यहाँ आपके झारखंड प्रदेश सहित पूरे देश में खासकर सरकारी नौकरियों में